शाहिद अफरीदी पाकिस्तान खिलाड़ी के हक में बोल पड़े। शाहिद अफरीदी ने इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहा है और शहीन शाह की इंजरी के बारे में कौन सा बयान दे डाला है, आज की वीडियो में मुकम्मल आपको डिटेल बताने जा रहा हूं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले नए व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट और फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल न करने पर इजहार ख्याल किया है। अफरीदी का कहना था कि फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था, इन्हें खेलने का मजीद मौका मिलना चाहिए था, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने कौमी टीम से मुतल्लिक कहा कि ये तासर गलत है कि वर्ल्ड कप में शहीन मुकम्मल फिट नहीं थे, इसकी इंजरी पुरानी नहीं है, वो कैच लेते हुए गिरे जिसकी वजह से इंजरी हुई। अपने खिताब के दौरान स्टॉल ऑलराउंडर ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शहीन या बाबर नहीं है तो कौन होगा। 92 का वर्ल्ड कप भी हम इसी तरह से जीते थे, जो गलतियां की थी कोचेस को मालूम थी। आप भी कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय जरूर दें, क्या इंग्लैंड के खिलाफ फवाद आलम को मौका देना चाहिए था या नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफिज़।